मैं अपने साए को इतना समझाने दे, अपने साए को इतना समझाने दे, अपने साए तक मेरे हिस्से की धूप आने दे, मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे। दुनिया की तमाम जुबानों की शायरी में खूबसूरत आंखों को शेर का मौजू बनाया गया है। मैंने भी आंखें तलाश की हैं, शायद कोई गोशा निकाला हो, मेरा फरमाइए कि मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे, एक नजर में कई जमाने देखे तो, एक नजर तस्वीर बनाने दे, बूढ़ी आंखों की। आप साहब ऐसा सुनेंगे तब तो मैं दो ही शेर पढ़कर इजाजत दूंगा। आप साहब एक नजर में तस्वीर बनाने दे, बूढ़ी आंखों की तस्वीर बनाने दे। मशरकी मिजाज है, पॉजिटिव औलाद के मामले में औलाद को कूले से लगाए रखते हैं, उनकी तरक्की के रास्ते रोकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए कि बाबा बाबा दुनिया जीत के मैं दिखला दूंगा, बाबा दुनिया जीत के मैं दिखला दूंगा, अपनी नजर से दूर तो मुझको जाने दे, अपनी नजर से बाबा बाबा दुनिया जीत के मैं दिखला दूंगा, बाबा अपनी नजर से दूर तू मुझको जाने दे। और शेर नजर करता हूँ आपकी जिम्मेदारियों के हवाले करता हूँ। लिहाजा फरमाइए कि फिर तो ये ऊंचा ही होता जाएगा। देखिए कहाँ से शेर बन रहा है कि फिर तो ये बचपन के हाथों में चांदा जाने दे, बचपन के हाथ फिर तो ये ऊंचाई होता जाएगा, फिर तो ये ऊंचाई
बचपन के हाथों में चांदा जाने दे। खुसूसी गुजारिश, पहली बार गजल में बेटी की रुखसती का मंजर पेश करता हूँ। गजल लहजा फरमाइए कि फसलें फसलें पक जाएं तो खेत बिछड़ेंगी, फसलें पक जाएं तो खेत बिछड़ेंगी। सुने दूसरा मिसरा के फसलें पक जाएं तो खेत बिछड़ेंगी, रोती आंखों प्यार कहां समझाने दे, रोती आंखों प्यार कहां समझाने दे। फसलें पक जाए तो खेत बिछड़ेंगी, रोतियां को प्यार कहां समझाने दे, रोतियां को प्यार। हिंदुस्तान का शेर कि मैं भी तो इस बाग का एक परिंदा हूँ, मैं भी तो इस बाग का एक परिंदा हूँ, मेरी ही आवाज में मुझको गाने दे, मेरी आवाज मुझको गाने दे। मैं भी तो इस बाग का एक परिंदा हूँ, मेरी आवाज में मुझको गाने दे, मुझ तक मेरी